नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी के दौरे से पहले तेलंगाना के निजामाबाद और बोधन में पार्टी के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं, जिन पर राहुल गांधी और राज्य कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी की तस्वीर हैं। इन पोस्टर में लिखा है कि कांग्रेस पार्टी ने हमारे बच्चों को मार डाला है। पोस्टरों में सबसे पुरानी पार्टी से माफ़ी मांगने को भी कहा गया है। इन पोस्टर्स में आप यानी कि कांग्रेस बलिदानों के लिए जिम्मेदार है, आप वही हैं जिसने हमारे बच्चों को मार डाला है, आपको माफ़ी मांगनी होगी, आपको ज़मीन पर अपनी नाक रगड़नी होगी। कर्नाटक में बिजली की समस्या, नौकरी नहीं, बेरोजगार के लिए कांग्रेस को वोट देने का पाप लिखा हुआ है। बता दें कि कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने बेल्लारी को देश की जींस कैपिटल बनाने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद वहां रोजाना 6 से 8 घंटे बिजली कटौती हो रही है, जिससे जींस उद्योग ठप पड़ा हुआ है। इसी का असर पड़ोसी राज्य तेलंगाना के अंदर भी दिख रहा है और लोग कांग्रेस को वोट न देने की अपील कर रहे हैं। बता दें कि इस साल मतदान के लिए तेलंगाना एकमात्र राज्य बचा है, क्योंकि मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद आज राजस्थान के अंदर भी मतदान हो गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की तेलंगाना में सार्वजनिक बैठकें आयोजित की गई हैं, जहां उनका लक्ष्य सीएम के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्रीय समिति सरकार को हटाना है। दूसरी ओर केसीआर को देश के सबसे युवा राज्य में लगातार तीसरी बार सरकार दोहराने का भरोसा है। लेकिन इसी बीच बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जनता ने जमकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। बहुत बड़ी खबर।